भाई साहब मास्क मैं फिर से भूल गया और बारिश रात में भी हुई है। चेक कर लो 6 बज रहे हैं और 6 बजे मैं रूम से निकल रहा हूँ। चलो हार्डली गाइस 2 से 3 मिनट में मैं तो पहुँच जाऊँगा, बट दौड़ भी नहीं सकता, दौड़ा पैर स्लिप हो गया तो कीचड़ कीचड़ हो जाऊँगा। भाई मज़ा आ गया यार। भाई क्या हमारे यहाँ से 700-800 मीटर है सर का घर जहाँ वो कोचिंग पढ़ाते हैं। रे यार वापस से घर जा रहा हूँ, बताए क्यों? ये जो ट्रैक पैंट पहन के जा रहा हूँ इस हद से ज़्यादा गंदा है। मैं देखा नहीं, मैं नींद में उठा, ऐसा काफ़ी गंदा है ना, हद से ज़्यादा गंदा है भाई। जिस दिन लेट होता है ना उस दिन अच्छा से दफा एक बाइक का और टिकट गिरा पड़ा है। तो गाइज कोचिंग से मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब आधे घंटे के आसपास। और जो कल का मेरा व्लॉग था उसमें ऑडियो मेरा कई जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ था। होप मैं जैसे तैसे उसको बनाया था, एडिट किया था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा था कल का व्लॉग इस व्लॉग में बता देना। और भाई आज कोचिंग में गदर सीन हो गया है। कोचिंग में सर मेरा फ़ोन रखवा लिए हैं कि तुम वीडियो बनाते हो, लिए हैं जब तक क्लास चल रहा है, उसके बाद फिर वापस कर दिए हैं। आज कोचिंग जाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, फिर मैं पैदल चला गया था कुछ दूर तक, फिर वापस आना पड़ा क्योंकि मेरा जो ट्रैक पैंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी लगी पड़ी थी। मुझे लगा कि आज गया, आधा क्लास तो निपट गया, बट सीन अच्छा था कि सर जो है खुद लेट हो गए थे, तो 6:30 बजे से पढ़ाना स्टार्ट किए ना। भाई सुबह नहा लिया मैंने, सुबह नहा लिया, काफ़ी अच्छा वाला सीन हो गया और ये सीढ़ी साफ हो गई। भाई काफ़ी ज़्यादा गंदा है, पूरा करवा देते हैं। अलग ही हो गया, वरना इसमें तो ऐसे कचड़े लगे पड़े रहते थे ना, पूछो नहीं। और वैसे लाइट भी चली गई, खा लेते हैं। और पूरा कचड़ा लगा रहता था गांव से आने के बाद, पहली बार मैंने साफ करवाया उसको, पैसे देके भाई साहब जन्नत हो गया वो। चलो छोड़ो ये सब बातें, लाइट अभी तक नहीं आई, आधा घंटा हो गया कटे हुए, पता नहीं क्यों। तो भाई साहब चलते हैं, थोड़ा सा आम का जो स्टॉक है ना ख़त्म हो गया तो उसको रिफिल करने चलते हैं, तो खरीद लेते हैं, 2-3 दिन का काम चलाने के लिए। तो गाइस मैं यहीं से लेता हूँ और चलेंगे अब सीधे रूम पे, यार काफ़ी ज़्यादा रश है, पक्के चलते हैं। सब मैं तो आ गया और चश्मा जब लगाने के बाद खोलने का मन नहीं करता क्योंकि आँखें नहीं खुलती है। कपड़े धुल रहा है, हेल्प करा दें। अभी बेडशीट और पर्दे अभी इसमें पानी भर रहा है, भर जाए। वैसे मम्मी गई जो कपड़ा था वो फैलाने, और ये मम्मी के जो चूड़ी से है मेरे को लग गया, देख रहे हो सूज गया कितना ज़्यादा वाला, मम्मी के चूड़ी से लग गया, उसमें वो था वाइट जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, उससे लगा है। अच्छा खासा सूज गया भाई। अब मुझे जाना है गोरखपुर, बिक्की अंकल बुला रहे हैं दीनदयाल को और मुझे। एक्चुअली गाइस गोरखपुर जाना था दीनदयाल के साथ, मैंने बताया, बट जा नहीं पाया, दीनदयाल कहीं चला गया। सो यहाँ पर लेटे मैं अभी फिजिक्स का क्लास निपटाया हूँ और आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए, बट सोऊंगा नहीं। सो गाइस बहुत क्लास कर ली, क्लास ख़त्म और चलते हैं थोड़ा सब्जी लेते हैं। वैसे आज मंडी है, मंडी में चलते हैं पहले, लेट्स गो। सो गाइस शुभम के साथ आया हूँ और मंडी दिखाता हूँ, मतलब भाई साहब फ्राइडे मार्केट है, गजब का गदर सीन है। जस्ट हैव अ लुक गाइस, काफ़ी गंदा वाला भीड़। चलते हैं लेते हैं सब्जी फटाफट से, निकलते हैं भागते हैं। शुभम कभी आना चाहता है इसमें? अरे कोई नहीं, मैं कभी नहीं आना चाहता हूँ इसमें, इसे आज मजबूरी है सब्जी लेना है इसलिए मैं आया, वरना तो भाई मैं इसमें आता ही नहीं। अंकल भिंडिया कैसे हुआ? आधा किलो भिंडिया दे दीजिए।
से गाइस ये है आम। क्या बोल रहे आदि मर्चा इतके भाव 15 रुपए का बढ़िया भाई शुभम मजे आ रहे हैं भाई इसमें लिटरली हम आना नहीं चाहते यार बहुत बहुत ज्यादा रश रहता है अभी तो आज हाँ 1 किलो टमाटर चिकन मटन फिश विश काटी जा रही हैं इस साइड फ्रूट वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उस साइड जलेबियाँ मिल रही हैं सेक्टर बना उस साइड कपड़े भी मिल रहे हैं बहुत कुछ है शुभम निकल रहे हैं गाइस क्या हुआ भाई साहब यार इतना गंदा वाला चोट लगाना अभी मेरे को क्या ही बताएं इसे इग्नोर करना कपड़े फैलाए गए हैं 1 मिनट में ऐसे निकल के और भाई मतलब सर में लगा है तगड़ा वाला राजेश भाई कहाँ घूम रहे हैं नहीं जाइए आनंद को लेके राजेश भी आ गए थे तो वो भी फेमस हो रहे हैं साथ ही साथ भाई साहब मतलब इतना गदर लगा है ना दीवार मैंने हिला दिया आधे इंच की दीवार है मैंने वो हिला दी सर से लगाया तो जैसे सुबह आज बोल रहा था यार मैं काफ़ी ज़्यादा दुबला हो गया बट आई डोंट थिंक सो कि मैं दुबला तो हुआ हूँ बट ठीक है आई लव माई फिजिकल स्टेट राइट नाउ भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा था यहाँ पर रनिंग दौड़नी है मतलब भाई घर में था इतना दौड़ भाग किया सो फार सो वेरी गुड अच्छा लगा इधर साइड ना मेरे कच्चे फैलाए हुए हैं तो इसलिए ऐसे कैमरा नहीं घुमा रहा मेरा कच्चा आ जाएगा वीडियो में सूजी है क्या हल्का सा सूजा है गाइस चलते हैं मैं इसमें पूछ लेते हैं क्या डाइट का सिस्टम है मेरा मतलब कितना मैंने खाया मतलब कितने का अभी तक मैंने खाना खा रखा है पूछ लूँ हिसाब किताब देख लूँ अरे तो जाइए ना भैया कितना डाइट हुआ है मेरा डाइट बोलो हमारे 60 रुपीज़ और देने हैं मेरे को दो डाइट के वैसे आज मैं उसमें आलू परोल बन रहे हैं उसमें अब सर के आने का भी टाइम हो ही गया है सर आ ही रहे होंगे उतना देर में इसमें थोड़ा सा घूम लेता हूँ बस इतना ही वॉकिंग है गाइस मेरा गाइस सब्जी लेके आए और यहाँ पे दैट शिट अभी मेरे को सर जो हैं बुला रहे हैं मंदिर पे करुण माता वाले चलते हैं और देखते हैं किस लिए बुला रहे हैं भाई ये पुलिस स्टेशन का मंदिर और उस साइड हमारा मंदिर मतलब जहाँ पे सर बुला रहे हैं वो वाला तो ये किसी ने ऑन करके छोड़ दिया पानी वेस्ट और सर के अंदर गई यहाँ पे और गई सर जो है उधर बैठे पड़े हैं वाइट शर्ट ब्लू बाइक के आगे देख लो इनको ये देख लो इनको क्या जी यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं अच्छा लगता तो यहीं पर ध्यान मग्न में बैठेंगे कैमरा बंद कर देता हूँ तो गाइज कोचिंग पढ़ने के बाद सर के साथ आ गया हूँ फिर वापस से मंडी में कुछ सामान लेने और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगा ठीक है तो यहाँ तक देख लियो तो लाइक हो जाना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना #peacebye